यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायकों के सांसद बनने और सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। लोकसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता भी पाई थी। इसके बाद उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस फिर एक साथ मैदान में होंगे। हालांकि 10 सीटों के बंटवारे की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। 10 सीटों के गणित को देखें तो इनमें से 5 सीटें सपा के पास थी, वहीं भाजपा के पास 3, एक RLD और एक निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट RLD के कोटे में तब आई थी जब वह सपा के साथ गठबंधन में थी। हालांकि अब RLD NDA का सहयोगी दल है, ऐसे में इस सीट को सपा और NDA दोनों अपने खाते में जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 सीटें जिन जिलों से आती हैं उनके जिला शहर अध्यक्षों की एक बैठक की थी। इसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वह उन्हीं 5 सीटों पर दावेदारी करेगी जो कि NDA के पास है। इनमें से जो भी सीटें उसके हिस्से में आती हैं उन पर वह अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जहां से सपा लड़ेगी वहां कांग्रेस उनके प्रत्याशियों को समर्थन देगी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सपा 5-5 के बंटवारे की मूड में नहीं है। वह 2 या 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला कर सकती है। वे सीटें कौन सी होंगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। जानकार मानते हैं कि बंटवारे पर असल पेच यही से आएगा, क्योंकि सपा मीरापुर सीट को अपने खाते में जोड़कर देखेगी, जबकि कांग्रेस चाहती है कि वह सीट उसे मिल जाए। इसके अलावा वह पश्चिम की सीटों की अपेक्षा अवध और पूर्वांचल की सीटें चाहती है, जबकि सपा वहां अपना दावा मजबूत मान रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगा था कि पेच फंस जाएगा, उसकी वजह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें न मिलना और उत्तराखंड की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा द्वारा प्रत्याशी उतारने के बाद सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग थी। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस में सब कुछ राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया था। सपा ने केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस उस पर भी राजी हो गई थी। अब अगर इस विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का स्टैंड यही रहता है तो शायद समाधान आसानी से निकल जाएगा, अन्यथा की सूरत में मामला फंस सकता है।